ये जो सिंबल है ये अनुपात का सिंबल है, प्रपोर्शन। इसको पढ़ते हैं इज टू, इज टू। जैसे देखिए इसको पढ़ेंगे, ये सिंबल लगाया, पढ़ेंगे ए इज टू बी, तो ए इज टू बी मीन्स ए बाई बी। ए इज टू बी का अर्थ हुआ ए और बी का रेशियो, यानी ये जो सिंबल है दो को जो पॉइंट देख रहे हैं एक सीध में, ये हमेशा रेशियो को इंडिकेट करता है। तो ये इस्तेमाल होता है किसके लिए, इज टू के लिए, यानी रेशियो के लिए। ये जो देख रहे हैं सिंबल, ये प्रयोग होता है इज एज के लिए, हिंदी में के ही जैसा है। जैसे देखिए नीचे समझा रहा हूं मैं, ए इसको पढ़ेंगे ए इज टू बी, इधर पढ़ेंगे सी इज टू बी, अब बीच में ये लगाया इज एज। तो इज एज का सीधा अर्थ है इक्वल टू, यही समझे आप। एक रेशियो बाएं तरफ हो, एक रेशियो दाएं तरफ हो, और बीच में जब ये सिंबल आता है चार पॉइंट का, तो सीधे इसका अर्थ होता है इक्वल टू, यानी इसे इज एज पढ़ते हैं, जिसका सीधा अर्थ है इक्वल टू, के ही जैसा। जैसे हम लिखा ए इज टू बी, यहाँ सी इज टू डी, अब बीच में ये सिंबल का मतलब इक्वल टू, मतलब ए इज टू बी सी इज टू डी के ही जैसा है। के ही जैसा माने दोनों आपस में समान है। तो सीधे याद रखिए कि इस सिंबल के जगह इक्वल टू हम समझते हैं। ये सिंबल हर जगह नहीं प्रयोग किया जाता है, केवल रेशियो में ही। इसके बाद इस सिंबल का प्रयोग गणित में या कहीं भी कहीं नहीं है। ये सिंबल के पहले कोई लेफ्ट साइड में एक रेशियो आएगा, राइट साइड में भी एक रेशियो आएगा। तो यह रेशियो इस रेशियो के ही जैसा है, मतलब दोनों रेशियो आपस में इक्वल है, समान है। तो सीधा अर्थ हुआ कि इज एज का अर्थ इक्वल टू समझेंगे। इस सिंबल का प्रयोग हर जगह नहीं, केवल रेशियो में ही होता है। ये जो सिंबल है इसको पढ़ते हैं वेरी एज या इज प्रोपोर्शनल टू। वेरी एज का मतलब विचलन करता है, बदलता है, या के समानुपाती है। जैसे देखिए हम लिखते हैं ए वेरी एज बी, इसको पढ़ेंगे ए और बी के बीच में ये आया सिंबल, इसको पढ़ेंगे ए वेरी एज बी। ये सिंबल किसके लिए आता है, वेरी एज के लिए। दूसरा इसको पढ़ सकते हैं ए इज प्रोपोर्शनल टू बी, तो ये जो सिंबल है वेरी एज के लिए आता है या इज प्रोपोर्शनल टू के लिए। ए वेरी एज बी पढ़ेंगे या ए इज प्रोपोर्शनल टू बी। ए वेरी एज बी का अर्थ हुआ ए बी के साथ विचरण करता है, माने बदलता है, मतलब जब बी बदलता है तो ए भी उसके अनुसार बदलता है। या ऐसे पढ़ते हैं ए और बी, ए बी के समानुपाती है, यानी और बी, यानी ए और बी का अनुपात हमेशा समान है। आगे इसके विषय में आप पढ़ेंगे ए वेरी एज बी का मतलब ए और बी का जो रेशियो है वो हमेशा समान आता है, ए बी के समानुपाती है, मतलब ए और बी का अनुपात हमेशा समान आता है। तो मान लिया जाए कि ए और बी का रेशियो हमेशा कोई एक कांस्टेंट के आता है, जहाँ के कोई कांस्टेंट है, तो ए और बी का रेशियो स्थिर है, कोई कांस्टेंट के। दिस इम्प्लाइज दैट हम लिखेंगे ए बराबर बी गुना में आ गया के गुना बी। यही कारण है कि आप गणित में या फिजिक्स में या केमिस्ट्री में कहीं भी आप इन इस निशान को देखते हैं तो हमेशा लोग यही लिखा करते हैं ए इज प्रोपोर्शनल टू बी को ऐसे लिख सकते हैं, बताया जाता है। ए समानुपाती का चिन्ह, प्रोपोर्शनल का जो चिन्ह है उसको हटा के बराबर का चिन्ह देते हैं, इसके बाद कोई कांस्टेंट के का प्रयोग करते हैं, फिर गुना दे के बी लिखते हैं। तो क्या कारण है कि इस सिंबल को हटाकर डायरेक्ट
बराबर के बाद कोई कांस्टेंट के देकर गुना में बी को लिखते हैं। आज मैंने आपको समझाया, स्पष्ट किया कि ए वैरीज एज बी या ए इज प्रोपोर्शनल टू बी रहेगा तो हम डायरेक्ट इस संकेत को हटाकर इसके जगह इक्वल टू का प्रयोग करेंगे, उसके बाद कोई कांस्टेंट के का प्रयोग करेंगे, फिर गुना दे के लिखेंगे। तो एक बहुत अच्छी चीज़ आपको बताया, ए वैरीज एज बी इम्प्लाइज डायरेक्ट लिखिए ए बराबर के गुना बी, जहाँ के कोई कांस्टेंट है। इसका प्रयोग हमेशा किया जाता है साइंस के हर फील्ड में, केवल गणित में ही नहीं, फिजिक्स केमिस्ट्री सब में। तो आपको हम स्पष्ट किया थोड़ा कि ये जो संकेत है जो वैरीज एज के लिए प्रयोग होता है इसका क्या मकसद है। ये तो आप जानते ही हैं, परसेंट के लिए प्रयोग होता है, हिंदी में प्रतिशत, जो अर्थमेटिक में आप पढ़ते हैं परसेंटेज। यह है ए टू द पावर एन, ए को आप जानते हैं बेस कहते हैं, एन को पावर, तो ए का पावर एन, इसको शुद्ध वे में ऐसे पढ़ते हैं ए टू द पावर एन, मतलब ए का पावर एन है। तो आप यही पढ़ेंगे ए टू द पावर एन। ए टू द पावर एन का मतलब क्या हुआ कि ए को ए से ही एन टाइम्स यानी एन बार गुना करेंगे। यदि ए को ए से ही एन बार गुना करेंगे तो लिखेंगे ए का पावर एन, यदि ए को ए से दो ही बार गुना करेंगे तो लिखेंगे ए का पावर दो, जिसे ए स्क्वायर पढ़ते हैं। ए को ए से तीन बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ए का पावर तीन लिखेंगे। तो आप समझ गए ए टू द पावर एन का अर्थ स्पष्ट है, ए गुना ए गुना ए अप टू एन टाइम्स। यदि पावर एन की जगह शून्य हो तो हो गया ए का पावर जीरो, तो इसको पढ़ेंगे इस सिंबल को ए टू द पावर जीरो, अलजेब्रा में सब आप प्रयोग करते हैं। तो ए टू द पावर जीरो इज इक्वल टू वन होता है, वेयर जहां जो बेस ए है जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, वेयर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। देखिए सिंबल यहां बताए हैं नॉट इक्वल टू का, यहां पढ़ेंगे वेयर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो और ए इज नॉट इक्वल टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी के विषय में भी आपको बताया है। तो ये जो फॉर्मूला है ए टू द पावर जीरो इज इक्वल टू वन, इसमें शर्त है कि बेस ए कभी जीरो ना हो या बेस ए कभी इन्फिनिटी ना हो, यानी शून्य तथा इन्फिनिटी को छोड़कर बेस ए की जगह कोई भी नंबर रह सकता है। तो इसी को हम लोग ऐसे भी पढ़ते हैं, किसी भी चीज़ पर पावर जीरो तो वन, लेकिन वो बेस क्या होना चाहिए, शून्य नहीं होना चाहिए, इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए। तो याद रखिएगा बेस ए की जगह शून्य और इन्फिनिटी को छोड़कर एक जगह कोई भी नंबर आप रख सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि ए के पावर जीरो बराबर वन होता तो है, लेकिन इसमें बड़ी कड़ी शर्त है, क्या ए शून्य नहीं होना चाहिए, ए इन्फिनिटी भी नहीं होना चाहिए। जैसे ए की जगह हम वन लेते हैं, वन न तो शून्य है न तो इन्फिनिटी है, आप पावर जीरो देंगे तो इसको वन लिखेंगे, हम टू लिखते हैं तो स्पष्ट है टू जीरो नहीं है, टू इन्फिनिटी भी नहीं है, और टू का पावर जीरो देंगे तो वन लिखेंगे इटीसी। हाँ, अब आगे कुछ और सिंबल्स हम लोग देखें। ये जो सिंबल है ये स्क्वायर रूट का सिंबल है, स्क्वायर रूट का मतलब सेकेंड रूट। तो इस सिंबल में दो ऊपर लुप्त रहता है, तो हमने लिख कर यहाँ दिखाया है कि स्क्वायर रूट के लिए हम लोग बगल में दो हमेशा नहीं लिखते हैं, ये दो नहीं भी लिखेंगे, केवल सादा लिखेंगे, रूट का चिन्ह देंगे तो इसको स्क्वायर रूट ही पढ़ेंगे। ये दो से सेकेंड रूट का बोध हुआ जिसे स्क्वायर रूट पढ़ते हैं। यदि रूट का जो सिंबल है ये उसके बगल में एन लिखते हैं इसको पढ़ेंगे एनथ रूट, हिंदी में एनवा मूल। यदि रूट का सिंबल देके रूट के बगल में एन लिखते हैं और इसके रूट के अंदर में पी लिखते हैं तो इसको पढ़ेंगे एनथ रूट ऑफ पी,
पी का एनवा मोल, एनएथ रूट ऑफ पी का मतलब हुआ, यहाँ पी का पावर एक है, तो यहाँ पी का पावर एक है, तो इसको लिखने का तरीका है कि बेस पी को लिख दीजिए और इसका पावर वन बटा ये बगल वाला एन, तो पी का पावर वन बाई एन। तो एनएथ रूट ऑफ पी का मतलब हुआ, डायरेक्ट याद रखिए, पी का पावर वन बाई एन। जैसे एग्जांपल देते हैं, सत्ताईस, यहां बगल में हम तीन दिया, तो इसको पढ़ेंगे थर्ड रूट ऑफ 27। थर्ड रूट को हम लोग क्यूब रूट भी पढ़ते हैं, क्यूब रूट ऑफ 27 पढ़ें या थर्ड रूट ऑफ 27, एक ही चीज है। अब इसका देखिए कैसे हल करेंगे, तो यहां पावर वन छिपा हुआ है, 27 पर वन, 27 का मतलब 27 का पावर वन। अब इस नियम से देखिए, बेस 27 है, उसका पावर हो जाएगा वन, बगल में तीन है, वन बाई थ्री। 27 को आप लिख सकते हैं तीन का पावर तीन, तीन तियाई नौ तिया 27, और उसका पावर वन बाई तीन। फिर अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इंडिसेज, घातांक के नियम से, पावर का पावर गुना हो जाता है, आप जानते हैं, तो यहाँ बेस तीन हो गया और ये दोनों पावर गुना में हो गया, तीन गुना वन बाय थ्री कट गया, थ्री का पावर वन आया केवल, मतलब थ्री। तो 27 का क्यूब रूट यानी 27 का थर्ड रूट तीन आया, 27 का थर्ड रूट तीन है, इसका मतलब हुआ कि इस तीन को तीन से ही तीन बार गुना करें तो 27 आना चाहिए। तो 27 का क्यूब रूट, हिंदी में 27 का घनमूल या 27 का थर्ड रूट, 27 का तीसरा मूल तीन हुआ। तो 27 का क्यूब रूट तीन हुआ, इसका अर्थ क्या हुआ कि इस तीन में तीन से ही तीन बार गुना करें तो ये 27 आना चाहिए, जो आ रहा है। तो थोड़ा सा उदाहरण से आपको समझाया, तो इसे याद रखेंगे। अब नीचे आइए, रूट का चिन्ह अंदर में पी के पावर क्यू और बगल में एन है, तो इसको पढ़ेंगे एनएफ रूट ऑफ पी टू दी पावर क्यू। एनएफ रूट ऑफ पी टू दी पावर क्यू इज इक्वल टू, बेस पी है, पावर क्यू है, समझ रहे हैं, यहाँ एन है, तो लिखेंगे बेस पी पर पावर क्यू बाई एन। जैसे यहाँ पावर वन था तो वन बाई एन लिखे थे, वन की जगह यहाँ पावर क्यू है तो क्यू बाई एन लिखेंगे, सिमिलर है।